मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। टाटा मोटर लिमिटेड जमशेदपुर प्लांट, एम्प्लॉय वेलफेयर डिपार्टमेंट के तरफ से यह प्रोग्राम किया गया है। एनिमल ब्लड डोनेशन, वार्षिक ब्लड दानदाता का सम्मान समारोह, और यह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें टाटा मोटर जमशेदपुर प्लांट के जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे वो ऑफिसर हैं, वह भी इसमें ब्लड डोनेशन करते हैं, और इसका दिन पर दिन इसका रिकॉर्ड बनते जा रहा है। उसी का सम्मान समारोह है जिसमें प्लांट हेड, टाटा मोटर यूनियन के अधिकारी, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, और जो 50 बार, 25 बार, 100 बार रक्त दिए हैं, वह भी उनको भी सम्मान दिया जा रहा है। आइए वह सम्मान समारोह दिखाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि टाटा मोटर का काम सिर्फ गाड़ी बनाना ही नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि समाज को ब्लड की कभी भी आवश्यकता होगी तो उनको कमी नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है सर। कहाँ से ढूंढने लगा पेशेंट को, हर बार बेड बाइक कंटिन्यूअसली आपको एक एक कॉम्पोनेंट देना है, ब्लड देना होता है, ये सब कहाँ से मिलेगा? कितने लोगों को हम लोग बोलते रहेंगे हाँ देते देते करते रहेंगे, पर कोई आता है कोई देता नहीं है, वेरी रेयर फैमिलीज। सो आप लोगों का जो ये सालों से टाइमली सपोर्ट ब्लड सेंटर को मिल रहा है, दैट इज रियली ग्रेटफुल टू यू, एंड वी आर ऑल रियली मिसिंग यू ऑल, कि भाई ये ना करे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा करके। सो वी आर थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू, ऑल द डोनर्स, ऑल द मैनेजमेंट कमिटी मेंबर्स for your support, for your cooperation, and for your motivation to the donors, and each and every donors, thankful to you all, may God bless you all. जैसा कि गुरु भक्ताओं ने बताया, पूरे साल में हमको लगता है कि टाटा मोटर्स परिवार ये पूरे साल को नहीं, हमको लगता है कि झारखंड के लोगों को आश्वस्त करने में हम लोग सफल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का जान ब्लड के एवज में कभी नहीं जा सकता, ये टाटा मोटर परिवार आश्वस्त करता है। साथियों, कुछ दिन पहले भी हम लोग ब्लड डोनेशन कराए थे टाटा साहब के जयंती के अवसर पर, और ये जर्नी हम लोग कोविड के समय से स्टार्ट किए, और आपके बीच में हम दो बातें रखना चाहते हैं कि रक्तदान की उपाधि, महादान की उपाधि मिली, और आप सभी साथियों को पता है कि यही एक दान है जिसको किसी भी तरह से पूरा नहीं कर सकते। दुनिया और देश बहुत विकसित हुआ, लेकिन आज भी हमारा ब्लड बनाने की ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई साधन है, ना इस पर अभी तक कोई रिसर्च हो पाया। यदि किसी मनुष्य को ब्लड की जरूरत है तो उसको भरपाई करने के लिए दूसरा मनुष्य ही उसको मदद कर सकता है, और पूरे ब्लड कोऑर्डिनेटर टीम जो लोगों को प्रोत्साहित भी करती है और जहाँ जरूरत पड़े समाज में लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहती है। मैं अपने ओर से अपने यूनिट की तरफ से सभी रक्तदाताओं को और कोऑर्डिनेटर को सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा मोटर्स प्लांट में चल रहा है सामोल जो एक बेंचमार्क इनिशिएटिव या बेंचमार्क एक्टिविटी है जो प्लांट में चलता है। मैं बहुत सारे फंक्शन या बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव में जाता रहता हूँ, लेकिन कभी भी ब्लड डोनेशन ये जो सब्जेक्ट रहता है वो प्लांट के प्लांट में रहो फैक्ट्री से जो यूनियन ने 3 मार्च को अरेंज किया, ये आज का है फंक्शन। जिस तरीके से आप सब लोग इन्वॉल्व होते हो इंथुजियाज्म से, नंबर से, वो एक बेंचमार्क है, एंड इसे बहुत कुछ सीखने जैसा है। क्या है इसके पीछे, क्यों इतने मात्रा में हम सब सहभागी होकर
या अच्छे कॉज के लिए सपोर्ट करते हैं एंड इसको बेंचमार्क करके सीख के हम बाकी के जो अपने चैलेंजेस जो अपने टारगेट्स है उसमें इसको कैसे हम अपना सकते हैं ताकि एक ब्लड डोनेशन हेल्थ के जैसा ही सेफ्टी एक इशू है। हम सेफ्टी में इसके जो इंथुजियाज्म पार्टिसिपेशन है उसको कैसे लेके जा सकते हैं। तो मोहन एंड सीनियर